एक लास्ट पॉइंट रह गया था नेमिंग का, वो लिख लो पहले। हाँ अच्छा, लास्ट टाइम हमने सब्स्टिट्यूएंट्स की बात की थी कि अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा हमने उसको पहले लिखना है या प्रेफरेंस उसको देनी। ओके, अब व्हाट इफ कि अगर मेरे दोनों लोकेंट जो हैं वो दोनों तरफ से सेम आ जाए, समझ रहे हो? अगर मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और दोनों तरफ से जब मैं नेमिंग कर रही हूँ तो जो सेट बन रहा है सपोज 2 3 बन रहा है दोनों के लिए, दोनों तरफ से 2 3 आ जाएगा या 3 2 आ जाएगा, है तो वही ना 2 एंड 3। ठीक है, अगर आप इस तरफ से कर रहे हो तो 2 3 बन रहा है, इस तरफ से कर रहे हो तो 3 2 बन रहा है। ओके, है तो दोनों सेट सेम ही 2 एंड 3 नंबर आ रहे हैं। तो आपने नेमिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो एल्काइल ग्रुप आ रहा है या जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेटिकली नेमिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखना है पहले कि जिसको आपने कम नंबरिंग देनी है वो अल्फाबेट में पहले आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन CH3 CH2, एक कंपाउंड लिखो। हाँ जी, मुझे इन दोनों का बताओ नंबर क्या आ रहा है दोनों का, फ्रॉम बोथ साइड्स व्हाट सेट ऑफ लोकेंड यू आर गेटिंग फॉर बोथ ऑफ दीज। अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो 1 2 3 4 3 4 आ रहा है, अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो भी 3 4 आ रहा है। ठीक है, सेम रह गया, नंबर सेम है ना दोनों का। अब हमने किस तरफ स्टार्ट करना है, जिस तरफ मेरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो पहले आ रहा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। अब नाउ दिस इज इथाइल एंड दिस इज अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, इथाइल पहले आ रहा है, तो इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए, यानी कि हम इस तरफ से नेमिंग नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करो। चलो नंबरिंग करो और उसका नेम बताओ मुझे। सो दिस इज क्या नेम है इसका, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इसको कम नंबर मिलना चाहिए द इथाइल ग्रुप। थ्री इथाइल, थ्री इथाइल, फोर मिथाइल, ठीक है जी। Whenever there is a number and an alphabet, you have to separate it with hyphen. और जब दो numbers हैं तो आपने उसको कैसे separate करना है with the comma. ठीक है, ये general rules है, देख लेने आप. Okay? और spacing नहीं छोड़ते हैं हम, सारा इकट्ठा लिखते हैं. Okay? Space नहीं छोड़ते हैं, सारा इकट्ठा लिखते हैं. एक नंबर और एक अल्फाबेट को सेपरेट करना है बाय हाइफन, नंबर्स और नंबर्स को सेपरेट करना है बाय कॉमा। ओके, चलिए यहाँ तक आपके रूल्स जो हैं वो नॉर्मल सिंपल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हो गए हैं। अब उसके बाद आओ नेक्स्ट राइट डाउन। अब हमने जैसे मैंने आपको उस दिन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन आइटम्स के बारे में बताया था, इन द सिमिलर वे वी आर हैविंग सम टर्म्स That is normal N iso neo and second. N is for normal. Normal chains जो आप लिखते हो, जैसे for example CH3, CH2, CH2. ठीक है, एक और लिख लेते हैं, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। This is a normal chain, सीधी chain है, ठीक है? Okay, so यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको N-butanol. That shows the chain is normal, no branching is there. ठीक है? अगर तो chain normal है, तो हम क्या लिखते हैं? N-butanol. Okay. अब now there is a difference between the iso and the neo. iso और neo में क्या difference है?
अब मैं अपने इस वाले ब्यूटेनॉल को थोड़ा सा चेंज करके लिखने लगी हूँ। I have write it like this. See, जो ये ब्यूटेनॉल था मैंने इसको कुछ ऐसी फॉर्म में लिख दिया है, तो ब्यूटेनॉल ही ठीक है। इसका नंबर मैंने चेंज कर दिया, अल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज कर दिया हुआ है, ब्रांचिंग कर दी है थोड़ी सी ठीक है, बट है तो चार कार्बन वाली स्पीशीज ही। अब आइसो कब बनता है, when it is forming iso, आपने लास्ट सेकंड कार्बन एटम देखना है। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, हमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी पड़ती है ठीक है, हमें प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देनी पड़ती है ना। तो अगर मेरी नेमिंग स्टार्ट होगी तो नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट होगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो मेरा कार्बन बन जाता है, ये लास्ट सेकेंड कार्बन बन जाता है उस चेन का, समझ रहे हो, ये इस चेन का लास्ट सेकेंड कार्बन बन जाएगा। अगर लास्ट सेकेंड कार्बन एटम जो है वो एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इफ द लास्ट सेकेंड कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ओनली वन एल्काइल ग्रुप, देन द स्ट्रक्चर इट कन्वर्ट्स इनटू आइसो स्ट्रक्चर ठीक है। ये किस में चेंज हो जाता है, आइसो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। और अगर इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, नॉर्मल मैंने ये बॉन्ड लगा दिया है ठीक है, अगर इसके साथ या इसके साथ देख लो, अगर ये कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया कि जो मर्जी सब्सिट्यूएंट आके अटैच कर सकता है। तो जैसे आपने मीथेन से मिथाइल बनाया, इथेन से इथाइल बनाया, वैसे ही ये ब्यूटाइल ग्रुप बन जाएगा। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, किसी और सब्सिट्यूएंट के लिए आपने जगह छोड़ दिया, तो वो ब्यूटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखो। अब सपोज मैं यहाँ पर CH3 की बजाय अगर OH लगा देती हूँ, और ये वाला जो CH3 है अब मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ ठीक है। मैंने क्या किया है, इस OH को मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये जो CH3 था इसको यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर आपने एल्काइल ग्रुप नहीं देखना है, यू हैव टू सी कि जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच्ड है, क्या वो आगे दो कार्बन के साथ अटैच है, तीन कार्बन के साथ अटैच है ठीक है। अगर तो वो दो कार्बन के साथ अटैच है, तो फिर ये कौन सा बन जाता है ग्रुप, सेकेंडरी, जो आप पहले पढ़ के आए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी पढ़ के आए ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। बट यहां पर आपने फंक्शनल ग्रुप देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो आगे कितने कार्बन के साथ लगा हुआ है, देन दैट विल बी फॉर्मिंग अ सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हो जाते हैं ना, तो ये सेकेंडरी ग्रुप में चला जाएगा ओके। नियो स्ट्रक्चर, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, अब ब्यूटेनॉल को कुछ ऐसा लिख दूं इस फॉर्म में, है तो चार कार्बन वाला ही, चार कार्बन वाली स्पीशीज है ना, जैसे आप आइसोमेरिज्म पढ़ के आए हो 10th क्लास में, तो वही सेम स्ट्रक्चर्स मैं लिख रही हूँ इसके ठीक है। नॉर्मल से ब्रांचिंग वाले सारे स्ट्रक्चर्स की हम पॉसिबिलिटी कवर कर रहे हैं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब आपने ये वाला कार्बन देखना है, दैट इज एक्चुअली द लास्ट सेकेंड कार्बन इन दिस ग्रुप ठीक है, ये लास्ट सेकेंड ही हो गया, इसके बाद तो ये वाला लास्ट हो गया, तो ये लास्ट सेकेंड कार्बन है इस हमारे लिए। तो अगर ये लास्ट सेकेंड कार्बन एटम आगे दो एल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है, तो स्ट्रक्चर बन जाता है नियो। योर स्ट्रक्चर विल बी नियो। आइसो और नियो में आपने लास्ट सेकेंड कार्बन एटम देखना है, इफ इट इज अटैच टू ओनली वन एल्काइल ग्रुप देन दैट स्ट्रक्चर इज आइसो। नियो में अगर लास्ट सेकेंड कार्बन एटम दो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो वो नियो आ जाएगा। आइसो और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, आइसो में हम एल्काइल ग्रुप देखते हैं, सेकेंडरी में हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं ठीक है। आइसो में हम क्या देखते हैं, हम लास्ट सेकेंड कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप देखते हैं, बट जो सेकेंडरी है उसमें हम ये देखते हैं कि जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है। क्लियर हो गया ये ठीक है। चलिए
लेट स्टार्ट विद दी फंक्शनल ग्रुप्स नाउ. सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं आपके, लिख लीजिए अल्काइल हैलाइड्स. द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स आर अल्काइल हैलाइड्स आर एक्स. एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में एक नेमिंग लिखी है. बेटा जनरल फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने, बताती हूँ. आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, जैसे CH3, C2H5, पढ़ के आए ना हम मिथाइल इथाइल. ये आर जो है वो ये है, एक्स जो है वो ये है. ठीक है, आर आपके अल्काइल ग्रुप्स हो जाएंगे, एक्स जो है वो आपके ये हैलाइड्स हो जाते हैं. तो हमारी चेन के साथ कहीं पर भी हैलाइड्स जो है वो अटैच हो सकते हैं. इसका नाम करो बेटा, बिल्कुल सिंपल दिया है, अभी तक कोई रूल नहीं आएगा इसमें. क्या नाम है बेटा? नेम ऑफ द स्ट्रक्चर. टू क्लोरो, कितने की चेन है बेटा? तीन की. तीन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रॉप. वर्ड रूप इट प्रॉप. उसके बाद प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स क्या है? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं अटैच्ड है. ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है. दे ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन है. और फंक्शनल ग्रुप कोई लगा नहीं है तो हम सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखेंगे. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कोई अटैच नहीं है तो हम सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखेंगे. चलिए आगे लिखो. अच्छा, ये कौन सा, अभी मैंने आपको बताया ना आइसो नियो, उसमें से ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है? ये वाला. दिस इज सेकेंडरी. सेकेंडरी बना ना ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है. इट इज फर्दर अटैच टू टू कार्बन एटम्स. सो दिस इज सेकेंडरी. तीन कार्बन वाला है तो प्रोपाइल एंड क्लोराइड. ठीक है, इसका ऐसे नाम भी हो सकता है. ओके, एक और एग्जांपल लिखिए. CH3CH2CHBrCH2. चलिए इसकी नेमिंग करो. टू ब्रोमोब्यूटेन. और दूसरी तरफ अगर दूसरा नाम बताना हो आपने तो दिस इज टू, हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. वेरी गुड. ठीक है जी, तो दिस इज, अगर आपने लिखना है तो टू ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा और सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, अब कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपको दो जो हैं वो हैलाइड्स दिए हों. ठीक है, तो आपने इसका नाम कैसे करना है? अब डाई और ट्राई वर्ड यूज करके करना है. ठीक है, कितने की चेन है बेटा? दो की चेन है, वन टू. ठीक है, दोनों सब्सिट्यूएंट्स मेंशन करने हैं किस किस पोजीशन पे. एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक सेकेंड पोजीशन पे. वन टू डाई यूज करना है. अगर सेम है तो डाई यूज करेंगे वर्ड. ठीक है, क्या सेम है दोनों? क्लोरो. आगे बर्ड रूट इट एंड सारे सिंगल बॉन्डेड है तो इथेन. ओके, तो नाम है 1,2 डाई क्लोरो इथेन. ओके, सिमिलरली इसका करो. सिमिलरली डू द नेमिंग ऑफ दिस.
करिए बेटा। हाँ जी, 1.3, ठीक है बेटा, 1.3 डायब्रोमो प्रोपेन, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, डाटर एल्कोहल। तो पहली कैटेगरी थी अल्काइल हैलाइड्स की, अल्काइल हैलाइड्स के बाद चलते हैं एल्कोहल्स। अब ये सारे हम सेकेंडरी सफिक्स जो हैं वो कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है डेट इज आर ओ एच, तो जहां पर भी ओ एच ग्रुप लगा है डेट मींस वहां पर हम किसकी बात करेंगे, अल्कोहल्स की बात करेंगे, ओके। आर कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, ठीक है, एनीथिंग इट कैन बी। नाउ राइट डाउन, अच्छा लास्ट में आपने क्या वर्ड यूज करना होता है, ओल यूज करना, ओके, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, राइट। चलिए राइट डाउन वन स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर पहले लिखो, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसकी नेमिंग बताइए। और यहाँ पर तो कोई नहीं है, ठीक है, अभी सब्सिट्यूएंट, बट अगर सब्सिट्यूएंट लगा है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है नंबरिंग में, ठीक है, नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है। इसका नाम बताओ, प्रोपेनोल, पहले हमने लिखना है प्रो, ठीक है, तीन स्ट्रक्चर है तो प्रोप आएगा, ये आपका आ जाता है प्राइमरी सफिक्स, इसमें से अब आपने ई हटा देना है, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन मेंशन करनी है, जो वन वाले होते हैं आप अगर पोजीशन ना भी स्पेसिफाई करो तो आप सिंपली भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो और दिस आल्सो, ठीक है। सो दिस इज प्रोपेन वन ओल और प्रोपेनोल, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखो, इसकी नेमिंग बताओ, ब्यूटेन टू ओल, ठीक है। अब अगर मैं यहां से नेमिंग करूंगी तो इसको नंबर मिल रहा है 3, मैंने अभी आपको बताया फंक्शनल ग्रुप को हमने प्रेफरेंस देनी है तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो अगर मैं यहां से कर रही हूँ तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो नेमिंग शुड बी फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, तो ये नहीं हम प्रेफर करेंगे, तो 4 की चेन है, ओके। सो दिस इज ब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पे लगाया तो 2, ओके। अब सिमिलरली डायोल्स भी आते हैं, जैसे आपने डाई क्लोरो किया है वैसे ही डायोल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर लिख लो, जैसे आपने CH2 वाला किया था ना, इसकी नेमिंग बताओ, इथेन 1,2 डायोड, ठीक है। अब मैंने यहां पे ई लगाया हुआ है, यू कैन सी, ठीक है, क्योंकि यहां पर ई के साथ डायरेक्टली ओ नहीं मैंने अटैच किया, राइट,
तो दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, इसीलिए हम यहाँ पर ई जो है वो हटा देते हैं ओल लगाने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन ईथर्स। नेक्स्ट राइट डाउन सेकेंड फंक्शनल ग्रुप लिखिए ईथर्स। ईथर्स का जनरल फॉर्मूला होता है आर ओ आर, यानी कि ऑक्सीजन के इस साइड और दूसरी साइड दोनों पे क्या लगा होगा, एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है। अब इनका जनरल नेम लिख लो, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं हम इनको, वी कॉल देम एज एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है जी, इनकी नेमिंग आपने ऐसे करनी है, एल्कोक्सी एल्केन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर ग्रुप को ले लेते हैं सी एच थ्री दोनों तरफ, तो क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा, एल्कोक्सी एल्केन। अगर मैं सिंपली एल्काइल ग्रुप कह रही हूँ, ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, तो क्या नाम बन जाएगा। अगर ये मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल को रिप्लेस करो ना एल्काइल से, मिथॉक्सी मिथेन नहीं बनेगा। अगर सिंपली एल्काइल ग्रुप को एल्काइल एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, तो अगर एल्काइल ग्रुप का नाम मिथॉक्सी है, मिथाइल ग्रुप है, तो वो मिथॉक्सी मिथेन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब सपोज मिक्स्ड ईथर आ जाते हैं, व्हेन वी आर हैविंग मिक्स्ड ईथर, व्हेन वी आर हैविंग मिक्स्ड ईथर, यानी कि एक तरफ ग्रुप बड़ा है एक तरफ ग्रुप छोटा है, तो जो बड़ा वाला ग्रुप होगा, जो बड़ा वाला ग्रुप होगा वो एल्केन का पार्ट बनेगा, ओके। जो बड़ा वाला ग्रुप होगा वो कौन सा पार्ट बनेगा, एल्केन का पार्ट बनेगा। अब इसका नाम बताओ मुझे, ठीक है जी, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। कॉमन नेम्स भी देख लो इनके, इनके कॉमन नेम्स भी देख लो, कहीं कहीं पर हम कॉमन नेम्स भी यूज करेंगे तो आपको पता होने चाहिए। जो पहले वाला था, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप सेम थे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डाई मिथाइल ईथर, दोनों ग्रुप सेम है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल लिख दिया, साथ में आ गया ईथर, ठीक है। अब इसमें दो अलग अलग है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, इथाइल, तो इसका क्या नाम बनेगा, इथाइल मिथाइल, ठीक है, इसका क्या नाम बनेगा, इथाइल मिथाइल ईथर। हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट राइट डाउन एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट आर एल्डिहाइड्स ईथर्स के बाद, एल्डिहाइड्स आपने पढ़ा हुआ जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड्स का टेंथ में, ठीक है। यहां आप सिंपली आर सी एच ओ भी लिख सकते हो, लास्ट में आपने क्या वर्ड यूज करना है, अल, यू विल बी यूजिंग अल एट द लास्ट। फॉर एग्जांपल अब एसिड हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए, इनके बीच में कार्बन आता है, सी ओ एच है, सी एच ओ है, आर सी ओ आर है, ईथर्स भी हो गए, जैसे ईथर्स की नॉमेनक्लेचर अलग हो जाती है एस्टर्स की, सॉरी, ठीक है, एस्टर्स एंड कीटोन्स की,
तो यहाँ पर एसिड है और जो एल्डिहाइड है इनका ये जो कार्बन है दिस इज ऑल्सो काउंटेड इन द नंबरिंग और इन द नेमिंग पार्ट. ठीक है, इनका कार्बन भी हमने नेमिंग में काउंट करना है. अब इसके पास कितने कार्बन हो गए हैं, वन कार्बन. ओके, तो नाम कीजिए इसका वन कार्बन के अकॉर्डिंग वर्ड रूट इज मिथ. तो इसका नाम क्या बन गया है, मिथे. अगेन एन का ई हटा देना है हमने क्योंकि आगे भी क्या लग रहा है, वॉवल ही है हमारे पास. और इसका कॉमन नेम लिख लो, बहुत यूज करोगे आप आगे, फॉर्मेल्डिहाइड. एच सी एच ओ इज फॉर्मेल्डिहाइड. सिमिलरली राइट द नेक्स्ट वन, इसका नाम बताइए. दिस इज नमन, बोलो इथेनल. ठीक है, इथेनल हो गया और इसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड. ये आईयूपीएसी नेम है और ये कॉमन नेम्स है. ठीक है, सो दिस इज एसिटाल्डिहाइड. क्लियर. अब यहाँ पे हमने ये भी कार्बन काउंट किया, ये भी कार्बन काउंट किया, तो इसके कारण इसका नाम इथेनल बन गया. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन एसिड्स. एसिड्स एसिड्स में यहाँ पर एक ओ आ जाता है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी फॉर्मिंग ओ ओ एच नाउ. क्या लगाते हैं लास्ट में एसिड्स के, ओइक एसिड. ओइक एसिड लगाते हैं ना लास्ट में. चलिए राइट डाउन द वन, सिंपलेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं. क्या नाम है बेटा इसका, मिथेनोइक एसिड. मिथेनॉल का आपने कॉमन नेम क्या लिखा था, मिथेनॉल का आपने कॉमन नेम क्या लिखा था, देखो अभी लिखवाया. मिथेनॉल का कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड लिखा. ठीक है, तो एल्डिहाइड काट के हम एसिड वाला ग्रुप लगा देंगे तो डेट विल बी फॉर्मिक एसिड. ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता. इनके कॉमन नेम्स मैं करवा रही हूँ क्योंकि आपको आगे यूज होंगे. ठीक है, प्लस टू में आगे यूज होंगे व्हेन यू हैव टू डू द ऑर्गेनिक. इसमें भी हम करेंगे बट इसमें बहुत ज्यादा ये यूज नहीं होते. सिमिलरली दूसरा डेरिवेटिव लिखो और उसका मुझे बताओ, इसका बताइए. या पढ़ के आयो टेंथ तक, क्या नाम होता है इसका, सी एच थ्री सी ओ एच का कॉमन नेम एसिटिक एसिड और आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड. ठीक है, सी एच थ्री सी ओ एच आप पढ़ के आए हो एसिटिक एसिड. ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड. राइट, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए एस्टर्स. Write down esters. ये होता है एस्टर का ग्रुप. ठीक है, कल डिस्कस कर लेते हैं एस्टर्स, क्योंकि जैसे हमने इथर्स किए हैं वैसे ही इनकी नेमिंग है.